अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में मैंने कारबीन की डेफिनेशन और उसके टाइप्स बताए थे कि कितने टाइप्स के, यानी कितनी कारबीन कितने टाइप्स के होते हैं, एक सिंगलेट और एक ट्रिपलेट। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करवाने जा रहे हैं कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर हम डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बात करूँ, दोनों हमारे क्या कहलाते हैं, दोनों के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp2। लेकिन अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर देखें दोनों के स्ट्रक्चर में क्या है डिफरेंस है, वो इसका जो एंगल होता है वो क्या होता है 100 से लेके 110 तक इसका एंगल होता है। उसके अगर हम एडवर्टाइजेशन स्ट्रक्चर देखें तो ये दोनों साइड पे क्या है इलेक्ट्रॉन, और अगर हम इसके एंगल की बात करें तो इसके एंगल में 130 to 150 एंगल सेकंड पॉइंट अगर हम देखें सेकेंड पॉइंट में क्या है, इसके अंदर रिपल्जन होती है ज़्यादा, और इसके अंदर लेस रिपल्जन होती है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है मल्टीप्लिसिटी, यानी कि NMR क्या देता है, ये टू एस प्लस वन मल्टीप्लिसिटी मालूम करने का जो फॉर्मूला है। तो यहाँ पर एस हमारे पास क्या है, इसके अंदर 0 है प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो अगर हम बात करें तो ये क्या दे रहा है, सिंगलेट दे रहा है NMR। और इसकी तरफ अगर हम चलें टू एस प्लस 1, तो यहाँ पे 2 है और एस इसका 1 है प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ट्रिपलेट हो जाएगा। अब आ जाए फोर्थ पॉइंट पे। तो चौथा पॉइंट हमारा क्या है, ये हाई एनर्जी देगा वो लोअर एनर्जी है। यहाँ पर हाई एनर्जी की ज़रूरत है और यहाँ पर लोअर एनर्जी। फिफ्थ पॉइंट, इसके अंदर स्टीरियो स्पेसिफिक है, और
ये नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक है। स्टैटिस्टिक डिफरेंस की बात करें ये आपका कंसर्नटेड है और ये नॉन कंसर्नटेड नॉन नॉन कंसर्टेड और टू स्टेप पर है। तो यहाँ पर इसके डिफरेंस कंप्लीट हो गए, इंशाल्लाह इसके डिफरेंस आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।